हाँ, एक मिनट आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? इकोनॉमिक्स पढ़ा था. क्या पढ़ा था बेटा? इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिकॉज वी अप्लाई बिजनेस एनालिसिस इनटू बिजनेस प्रैक्टिस. इकोनॉमिक एनालिसिस इनटू बिजनेस प्रैक्टिस. याद आ रहा है क्या मालिक कुछ? यस. सो इकोनॉमिक एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो भैया हम क्यों इकोनॉमिक्स यूज करें? इकोनॉमिक्स ताकि हम रिसोर्सेस को बहुत बेहतर तरीके से क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके. बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन इसके जो रिसोर्सेज है वो कैसे बेटा? स्केल्ड रिसोर्सेज है. यस. सो बिजनेस एनालिसिस करने के लिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या लेने पड़ता है? डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है. डिसीजन मेकिंग क्या सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है? नहीं, बिकॉज एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक. याद आ रहा है क्या मालिक? इसी के लिए डिसीजन मेकिंग इतनी आसान होती नहीं. राइट. हाँ, तो हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स की थ्योरी को सीधा सीधा अप्लाई करते हैं. इसी के लिए इसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. बहुत बढ़िया बेटा. फिर हमने देखा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. ये लास्ट पॉइंट था जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में देखा था. बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो प्रकार होते हैं. एक होता है ऊ और एक होता है ऊ. एक होता है ऊ और एक होता है ऊ. यस. एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो. तो हमारे पास दो क्रो है. एक है माई वाला क्रो और दूसरा है मै वाला क्रो. राइट. माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मतलब बड़ा. राइट. और मैक्रो मतलब बड़ा. माइक्रो क्या हमारे हाथ में है? यस. लेकिन मैक्रो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहा हूं, मतलब मैं माइक्रो की बात कर रहा हूं या मैक्रो की बात कर रहा हूं? मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं. मैं फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहा हूं. मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं. मैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं. समझ में आई बात? मैं इंडस्ट्री एज अ होल की बात कर रहा हूं. ये क्लियर था मालिक? यस सर. तो हम यहां पे आ गए थे, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देख लिया था कि भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है. कौन? क्योंकि यहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, कोई एक वेरिएबल नहीं है. सो पेज नंबर 5 तक के हमने कंप्लीट कर लिया था. आज जा रहे हैं हम पेज नंबर 6 के ऊपर. सभी लोग, अगर आपके पास नोट्स है मालिक तो प्लीज जल्दी से आ जाइए. नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. आज हम कुछ और बातें करने वाले हैं कि भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स किस तरीके का है. चैप्टर 1 पूरा का पूरा आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स और इसके प्रकार कितने हैं इस बारे में ही बात कर रहा है. राइट. सो स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर को डिफाइन करते हैं. क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी कवर करता है? एक मिनट रुकते हैं. सबसे पहले हम पहले ये समझते हैं, हम किसी भी चीज को साइंस तब कहते हैं जब वो रियलिटी में होता है तो. वो रियलिटी में होता है तो, या तो क्या मैं कह सकता हूं कोई भी चीज साइंस है अगर वहां पे एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. Yes, हम किसी भी चीज को साइंस कहते हैं अगर ये प्रूव्ड है, टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, बिल्कुल टेस्टेड है, बिल्कुल प्रूव्ड है कि हाँ, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? साइंस कह सकते हैं. मतलब साइंस इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज. साइंस इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज जो स्टैब्लिश करता है एक रिलेशन इसका इससे, लेट्स से एक्स का वाई से, या अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तो ये एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है. और यही चीज क्या है बेटा? साइंस भी है. यस. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. क्या ये साइंस है? हाँ जी साइंस है, क्योंकि साइंस के बहुत सारे फंडामेंटल्स हम यूज करते हैं. साइंस क्या है? इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस क्या है बेटा? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच स्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. क्या स्टैब्लिश करता है बेटा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? अरे पूछो भाई. हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है. अगर ये है, कॉज है, इफेक्ट है, तो इसका कॉज क्या है? इफेक्ट है तो इसका कॉज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज पेड़ से जमीन पर गिर रही है तो इसको ग्रेविटी कहा जाता है. इफेक्ट क्या था? कोई चीज को अगर ऊपर से फेंका जाए तो वो नीचे ही जाती है. इफेक्ट वॉज डाउन. पर अगर ये है तो इसका कॉज क्या है? कॉज मीन्स रीजन क्या है. तो हम किसी भी चीज को साइंस कहते हैं अगर ये दो चीजों के बीच में रिलेशन डेवलप कर देती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है. कि क्यों किसी को देखने के बाद अचानक से पीछे से बाल उड़ने लगते हैं, हवाएं चलने लगती है, पीछे से टाना वायलिन बजने लगता है. क्योंकि अगर किसी को देख के ऐसा है, मतलब इफेक्ट है, तो उसका कॉज जरूर होगा. अरे भाई, इफेक्ट है तो उसका कॉज जरूर होगा. क्यों किसी को देख करके अच्छा सा महसूस होता है, अपना सा महसूस होता है, प्यारा सा महसूस होता है? ऐसा क्यों है? कि देयर इज
कुछ आपके सीने में क्या है बेटा, दिल है, जो क्या है धड़क रहा है, उसको बहन बनाने के लिए, उसको भाई बनाने के लिए। तो ऐसा दिल जो धड़क रहा है, इफेक्ट है, तो इसका कुछ ना कुछ कॉज होगा। अच्छा कभी आपने ऐसा देखा है, मैं आपको इमेजिन करवाता हूं, ठीक है, कभी आपने ऐसा देखा आपके क्लास में, आपके घर के आसपास में कोई एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है जिससे आपने आज तक बात नहीं करी, ठीक है, लेकिन उससे एक अलग खुन्नस है, मतलब उसके चेहरे वाली खुन्नस, पता है आपको, कि उसको देख के एकदम चेहरे वाली खुन्नस है, ना इससे बात करना है ना ही बात करने की इच्छा है, एक चेहरे वाली खुन्नस है इससे, राइट। सो साइंस क्या होता है, कोई भी चीज अगर एक कॉज इफेक्ट, अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा है तो क्यों है, ये सिंपली हम कह सकते हैं कि भैया एक रिलेशनशिप डेवलप करता है, और साइंस इसी चीज की खोज लगाता है कि अगर ऐसा है तो क्यों है, और यही चीज साइंस डेवलप करता है। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स भी ऐसा करता है, बिल्कुल ऐसा करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स भी। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी तो ये देखता है ना कि अगर बिजनेस की सेल्स डाउन हो गई है तो क्यों हुई है, बढ़ गई है तो क्यों बढ़ गई है, प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या साइंस ही हुआ, हाँ ये भी एक साइंस हुआ। आखिर साइंस भी तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहा है, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्राइस के ऊपर, फैक्टर के ऊपर कोई भी फर्क पड़ रहा है तो ये फर्क क्यों पड़ रहा है, यही चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स भी देखता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट्स द टूल ऑफ डिसीजन साइंस सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स विद इकोनॉमिक्स थ्योरी टू अराइव एट एप्रोप्रिएट स्टडीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड एंड एम्पेरिकली टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। ये साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है, और साइंटिफिक मेथड फॉलो करने के साथ साथ ये टेस्ट भी करता है वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट को, तो रिजल्ट निकल के बाहर आए हैं ये उसको टेस्ट करता है कि क्या ये रिजल्ट सही है या नहीं है। सो पहला सवाल, क्या बिजनेस इकोनॉमिक साइंस है, जी हाँ ये साइंस है। साइंस किस चीज को कह सकते हैं, कोई सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो रिलेशनशिप डेवलप करता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। सो हम किसी भी चीज को करते हैं, भैया अगर ये लाइट चालू हो रही है तो ये क्यों हो रही है, तो इसका एक साइंस है कि भैया कोई इलेक्ट्रिसिटी है जो किसी चीज से प्रोड्यूस हो रहा है, वो वायर के थ्रू यहां तक जा रहा है, वायर के अंदर में कॉपर ही क्यों होगा, कॉपर के जगह अगर वहां पे चांदी का तार डाल दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर पाएगी, यानी देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। यस, अगर हम कई बार बात करते हैं भूत प्रेतों की, अपने सब कजिन्स मिलते हैं, एक रात वाली, यू नो, एक रात वाला सीन होता है, सब कजिन्स मिलते हैं अभी गर्मियों की छुट्टी के अंदर में, और फिर बैठते हैं और अचानक से भूत वाली बातें चालू होती है रात में, तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा, और अचानक से भूत वाली बात चालू होती है, फिर तुम बोल रहे हो भूत भूत कुछ नहीं रहता, इतने में एक हाथ कटोरी नीचे साइंस बिहाइंड इट, दिल्ली गई थी वहां से, साइंस बिहाइंड इट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इज इट अ साइंस, यस मालिक इट इज अ साइंस, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो हम पिछले तीन दिन से पढ़ रहे हैं ना वाले, कि भैया इट इज लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने तो आपको चालू ही ये वर्ड से किया था, ये इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई, देखो मैंने आपको यहीं पे फर्क समझाया था इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू अ बिजनेस, टू अ कंपनी, टू अ यूनिट, whereas इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू होल। हमें देश चलाना, हमें कौन चलाना, वी एज अ प्रोफेशनल, हमें क्या चलाना है, बिजनेस चलाना है, इसीलिए इट इज लार्जली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी को सिर्फ पढ़ो मत, अंडरस्टैंड करके लो, तुम्हें इतना मजा आएगा। और अब तुम्हें क्यों मजा आ रहा है, क्योंकि देखो हमने बेसिक्स पढ़े और बेसिक्स है तो अब वो सब वापस आ रहे हैं। बिजनेस मैनेजर आर यूजली कंसर्न्ड अबाउट द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड मोर विद डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट। ये क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हमारा काम बिजनेस के जो इश्यूज है इसको सॉल्व करना है, हमारा काम बिजनेस के जो इश्यूज है इसको सॉल्व करना है, राइट। इट इसीलिए ये लार्जली काय के ऊपर बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है।
तीसरा इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो. क्या वो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है? नहीं, इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मैक्रो, मोर ऑफ माइक्रो एंड सम ऑफ मैक्रो. क्योंकि आज भी हम मैक्रो की चीजें यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आपकी चीजें अफेक्ट करती है. अगर आपको याद हो हमारा लास्ट एग्जाम्पल, आईटीसी को बहुत फर्क पड़ेगा अगर जीएसटी का रेट चेंज कर दिया, टबैको के ऊपर बैन ला लिया, बहुत फर्क पड़ने वाला है मालिक उसको. और इसीलिए हमें जब बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं सिर्फ माइक्रो से काम नहीं चलेगा, मैक्रो भी देखना होगा. अब आप मुझे बताइए, अब आपका जीएसटी कपड़ों के ऊपर या फिर यू नो पावर बैंक्स के ऊपर 18% से 28% कर दिया, क्या इससे बिजनेस के एलिमेंट्स पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा. अब प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे. अगर प्रोडक्ट के प्राइस ही अगर इंक्रीज हो गए प्रभु, तो फिर लोगों के जनता और डिमांड दोनों के ऊपर फर्क पड़ेगा. सो बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ इकोनॉमी इन विच इट इज ऑपरेटेड. बिजनेस एनवायरमेंट is affected by external environment as well, such as general price level. General price level से effect पड़ता है. क्यों effect पड़ता है? अगर चीजों की कीमतें बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फर्क तो पड़ेगा ही. आप मुझे बताइए, यहां पे पेट्रोल 80 पैसे से भी अगर बढ़ता है, पेट्रोल 80 पैसे से भी बढ़ता है तो न्यूज आ जाती है पेट्रोल आज 80 रुपए ऊपर चले गया. गौर से सुनिए, पेट्रोल आज 80 रुपए बढ़ गया, 80 पैसा बढ़ गया. वही आदमी, अच्छा फिर क्या कंपैरिजन हो जाता है? 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भैया पेट्रोल का प्राइस कम करिए. भाई और बहनों, पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए. आज मोदी जी ने 100 रुपए के ऊपर कर दिया पेट्रोल, ये क्या बात हुई? वही लोग ये नहीं देख रहे कि 2014 के अंदर में जो आपका इंटरनेट का रिचार्ज होता था 1 GB का, वो जाता था कितने रुपए के ऊपर? 450 से 550 रुपए के ऊपर. आज वो कितने में आ गया? 20 रुपए साहब, 20 रुपए, उससे भी कम. क्या आपको पता है सबसे सस्ते इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले देशों में इंडिया 18th नंबर पे. अब वही लोग काय के लिए रो रहे? 80 पैसे के पेट्रोल के लिए रो रहे, लेकिन इंटरनेट इतना सस्ता हो गया इसके लिए नहीं रो रहे वो लोग, इसके लिए कुछ नहीं हो रहे वो. बट एक बात देखिए, हाँ बिजनेस को इंपैक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है जनरल प्राइस लेवल पे. कैसे इंपैक्ट पड़ता है? अब सोचिए, जिसका काम ही ट्रांसपोर्ट का है उसको तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ गया. मान लो जिसका काम ट्रांसपोर्ट का नहीं है, भाई साहब उसको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, आपको मेरे को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, पर जिसका ट्रांसपोर्ट का काम है उसकी तो कॉस्ट बढ़ गई ना. अब वो अपना भाड़ा बढ़ाएगा, सीधी सी बात है. यानी बिजनेस के अंदर में मैक्रो इश्यूज भी हैंडल होते हैं, मैक्रो इश्यूज भी इशू करते हैं. दूसरा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल. भैया मेरी इनकम बढ़ ही नहीं रही है, क्या मैं लोगों को रखूंगा? नहीं, मैं लेऑफ्स करूंगा. आप देखिए कोविड के पीरियड में सबने क्या किया, लेऑफ्स निकाले ही है, या तो हाफ पेमेंट दिया, चुपचाप लोग टिके रहे. भैया जॉब ही नहीं मिलने वाली तो क्या करोगे, एटलीस्ट जितना मिल रहा जहां मिल रहा ले तो लो. So, इसमें भी फर्क पड़ता है. गवर्नमेंट पॉलिसीज, भैया गवर्नमेंट पॉलिसीज बताइए, गवर्नमेंट पॉलिसीज का एग्जांपल बताइए. जीएसटी रेट कम कर दिया, प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा. जीएसटी रेट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट का सेल डाउन हो जाएगा. विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ता है, आइए मैं आपको बता दूं. इंटरेस्ट रेट, आज का इंटरेस्ट रेट जिसको हम कहते हैं बैंक्स रेट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आज बढ़ा दिया तो भयानक इकोनॉमी पे इश्यू आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि देखिए आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ना, ये करीब 6.40-6.70 चल रहा है. जब मैंने मेरा पहला घर लिया था ना मालिक, आपको बताता हूं, जब मैंने मेरा पहला घर लिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10%. कितना? 10%. नाउ कोविड के बाद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6.4%. आज अगर रेट 10% कर दिया, पूरी इकोनॉमी ऐसी तैसी हो जाएगी. क्यों इकोनॉमी ऐसी तैसी हो जाएगी? क्योंकि लोगों के पास कोविड के बाद इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ी जिस स्पीड से महंगाई बढ़ी है. आई गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरेस्ट रेट भी एक इंपैक्ट क्रिएट करता है बिजनेस के अंदर में. अब सोचिए, अगर मैंने लोन लेकर के बिजनेस चालू किया, सिर्फ ध्यान देना मालिक, मैंने लोन लेकर के बिजनेस चालू किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, तो मैं मेरे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा? इंक्रीज करूंगी, क्योंकि मेरे को वो कॉस्ट तो मैच करनी ना मालिक. एक्सचेंज रेट हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं. कैसे? अब आप सोच के देखिए ना सर, एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं. सपोज अगर किसी का बिजनेस है,
जो फॉरेन में भी जाता है, जिसका प्रोडक्ट फॉरेन में भी जाता है, या जिसके एम्प्लॉय को बहुत फ्रीक्वेंटली फॉरेन ट्रैवल करना पड़ता है, अगर एक डॉलर की कीमत 60 रुपए तक रहती तब तो ठीक था, अब एक डॉलर की कीमत 75 रुपए हो गई तो बताइए महंगाई बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। यस, अब बताइए अभी यूरोप और यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूरोप यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब ऐसे केस में प्रभु अगर यूरोप यूक्रेन वॉर चल रहा है, ऐसे केसेस के अंदर में अगर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट आ गया, यूरो का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वॉर का कॉस्ट कहीं से तो निकालेगा ना देश। अरे भाई वॉर का कॉस्ट कहीं से तो निकालेगा देश, अल्टीमेटली इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है एक्सचेंज रेट से। इंडस्ट्री प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस एंड रेगुलेशन ऑफ मोनोपोलीज, रेगुलेशन ऑफ मोनोपोलीज, रेगुलेशन ऑफ मोनोपोलीज। अगर किसी एक आदमी की मोनोपोली हो गई तो कभी भी किसी देश के लिए खराब है, क्योंकि फिर वो जो चाहेगा वो प्राइस चार्ज करेगा। मोनोपोली मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो कॉम्पिटिशन, अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो कॉम्पिटिशन। मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पर उसका कोई कंपटीशन ही ना रहे। अगर सोचिए कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो वो आदमी जब चाहे जैसे चाहे जो प्राइस चार्ज करे फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिएगा साहब, सोच के देखिएगा, ये मेरा प्यारा सा दोस्त, ठीक है, ये मेरा प्यारा सा दोस्त रात 1 बजे रेलवे स्टेशन पे आता है, अचानक ये बाजू में देखता है एक खूबसूरत कन्या, बिचारी बहुत तकलीफ में। क्या तकलीफ है सर? तकलीफ ये है कि बिचारी खड़ी और उसको ऑटो नहीं मिल रहा। ये मेरा भाई रेडी, ये भी 15 मिनट से खड़ा, वो भी 15 मिनट से खड़ी, वो इसके तरफ देख रही है, इसके तरफ देख रहा। आखिर लड़की ने धीरे से, आपको भी नहीं मिला ना, तुम्हें कैसे पता? मुझे भी नहीं मिला 15 मिनट से, यहां बात ऑटो की चल रही है। तो क्या किया जाए? चलो मिलके ढूंढते हैं ऑटो। एक ऑटो मिलता है, एक ऑटो मिलता है, और साहब वो ऑटो बोलता है लेके तो चलूंगा, 400 रुपए लूंगा। जनरली अगर ये दिन में जाता तो उसी जगह के 70 रुपए होते, अब वो कह रहा है 400 रुपए, इधर दूर दूर तक सिर्फ कुत्ते की आवाज, इधर दूर दूर तक सिर्फ कुत्ते की आवाज। बताइए मजबूरी में आदमी के पास ऑप्शन है? एक ऐसा सिचुएशन जहां उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, आदमी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में बैठा है। अब मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में जो बोलेगा वही होगा। आर यू वेटिंग पॉइंट? और ये चीज आपके जेब पे बहुत भारी इंपैक्ट करेगी बाबू। अब मरता क्या ना करता, आदमी बोलता चल मेरे को मत छोड़, ठीक है इस पराई लड़की को तो छोड़ दे, अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, आपको तो पता ही है। अब ऐसे केस में एक ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है जहां पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। अब आप देखिए, मैं रिसेंटली आपको बताता हूं, एकदम प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ बताऊंगा मालिक, मजा आएगा। रिसेंटली आपको पता है एयर इंडिया कौन सी कंपनी को बिका? टाटा को बिका। क्या आपको पता है टाटा ऑलरेडी एयरलाइन बिजनेस में था? एयर एशिया। हाँ, टाटा ही नहीं, टाटा का पहले एक एयरलाइन हुआ करता था जो बाद में एयर इंडिया बन गया था। यस, नाउ टाटा जब तक के एयरलाइन बिजनेस में था थ्रू एयर एशिया। अब क्या हुआ, जैसे ही एयर इंडिया एक्वायर किया, टाटा ने बोला अब तो मेरी कंपनी मेरे नाम से चलने वाली है, एयर एशिया काय को चाहिए, एयर एशिया को मर्ज कर दो। अब अगर एयर एशिया और एयर इंडिया दोनों मर्ज हो गए तो ये बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगा, और ये बाद में इंपैक्ट क्रिएट करेगा इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा एयरलाइंस, एयर दुबई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इतनी जगह पे क्या करेगा वो, इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अब ऐसे केस में मोनोपोली ना हो जाए, इसीलिए इंडिया में एक बोर्ड बनाया गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया है बोलो? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक बनाया गया है ताकि कोई भी कंपनी को मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन
ना मिले, देयर शुड ऑलवेज बी कॉम्पिटिशन। अगर आप देखो जियो कितना भी बेनिफिट दे दे, कितने भी बड़ी बेनिफिट दे दे, पर सरकार वन पॉइंट राइट नहीं देने वाला जियो को कभी भी, कभी नहीं। वो उसके कंपटीशन में एयरटेल को खड़ा करेगा, बीएसएनएल को खड़ा करेगा, वीआई और इसको अप्रूवल देगा, कुछ भी करेगा। लेकिन अगर ऐसा ना किया तो देश में मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन हो जाएगी और फिर रिलायंस जो चाहेगा वो प्राइस कलेक्ट करेगा। अब आप ही देख लीजिए ना, जिस टाइम पे जियो आया था उस टाइम पे क्या रिचार्ज के रेट थे, और आज जियो के रिचार्ज के रेट कितने, 400 रुपए। और अगर उसने 500 भी कर दिया तो भी तुम उसका मोबाइल यूज करोगे, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आ गया जहां पे आपको उसकी हैबिट हो गई है। ये आई गेटिंग इट? अब सोचो जिसको अपने यू नो, जिनको पान मसाला गुटखा एक्सेट्रा खाने की आदत है, उनने 20 रुपए या 25 रुपए भी चार्ज कर लिया तो ये आदमी खाते, यस ये आदमी खाते। सो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, तो ये सारी सिचुएशन होती है जो मैक्रो इश्यूज क्रिएट करती है, और ये सारे इश्यूज आपके कंट्रोल में है या बियॉन्ड कंट्रोल है? बियॉन्ड कंट्रोल है साहब, बियॉन्ड कंट्रोल है पूरे के पूरे। इकोनॉमिक इज ऑल्सो एन आर्ट, आर्ट सर, आर्ट मतलब वही जो मजनू भाई बनाते हैं। मजनू भाई को देखा है, नहीं देखा? वेलकम मूवी वाले, दैट इज अ परफेक्ट आर्ट। इकोनॉमिक इज ऑल्सो एन आर्ट, इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। ये एक आर्ट है। आर्ट मतलब आप किस तरीके से किसी चीज को अप्लाई करते हो या यूज करते हो, ये आपका एक आर्ट है। यस, फॉर एग्जाम्पल रोते सब है, लेकिन आप देखिए हर एक्टर का रोना एक जैसा है या हर आदमी एक्टिंग करते वक्त अलग तरीके से रोएगा? अलग तरीके से रहेगा। सेम डायलॉग आप बोलो, सेम डायलॉग ये बोले, वो बोले, वो बोले, वो बोले, हर एक व्यक्ति का अलग होगा। वाई? बिकॉज हर एक जन का एप्लीकेशन उस चीज को करने का क्या रहेगा, अलग। तो ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी हर बिजनेस में सेम वे थोड़ी ना रहेगा, हर बिजनेस का इकोनॉमिक डिसीजन बिल्कुल अलग अलग रहेगा। जो इकोनॉमिक डिसीजन मैं किराना दुकान के ले रहा हूं, मे और मे नॉट भी मैं वो लेदर बिजनेस के ले लूंगा, मे और मे नॉट भी मैं वो मेरे यू नो फूड बिजनेस के लिए लूंगा, मोबाइल बिजनेस के लिए लूंगा। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो आर्ट, क्योंकि इसका हर बिजनेस में एप्लीकेशन अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैंने यहां ये डिसीजन लगाया तो सेम कट कॉपी पेस्ट डिसीजन इधर भी लगाऊंगा तो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। आप सोचिए सर, अगर बिजनेस डिसीजंस कॉमन होते, सोच के देखना भाई साहब, सिर्फ अगर बिजनेस डिसीजंस कॉमन होते तो एक आदमी जो कंपनी सक्सेसफुल हुई है, सेम फॉर्मूला लगा के देश की हर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती, isn't it? अगर उसी मेथड से सक्सेस मिलनी है भाई साहब, अगर उसी मेथड से सक्सेस मिलनी है तो वही क्या कर देते, वही सीधा सीधा अप्लाई करके सभी लोग कर देते, सभी लोग हो जाते, पर ऐसा होता नहीं। आपका स्टडी प्लान आपको इंपॉर्टेंट देगा, मेरा बनाया हुआ स्टडी प्लान आपके लिए काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि भाई साहब मेरा बनाया हुआ स्टडी प्लान मेरे लिए सूटेबल है। क्या पता इस आदमी को रात में जगने की इच्छा हो, तो हो सकता है ये बोले मैं शाम में एफसी रोड पे जाता हूं, रात में मेरे को यू नो रात में मेरे को जगना होता है, तो पॉसिबल है कि इस आदमी का कुछ भी सिचुएशन ना हो। आई गेटिंग इट? सो इट इज ऑल्सो एन आर्ट। चलिए यहां तक के पहले लिखते हैं, हम ऑलरेडी नेचर लिख रहे हैं क्या? यस सर, यस सर। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, हम ऑलरेडी ये पॉइंट लिख रहे हैं उसमें। इट इज एन सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इट ऑल्सो establish cause and effect relationship it also follows scientific method Business economics
इज ऑल्सो आर्ट्स. सो क्या मैं कह सकता हूं बिजनेस इकोनॉमिक इज आर्ट कॉमर्स एंड साइंस? कॉमर्स में तो तुम उसको पढ़ेगा. इट इज आर्ट कॉमर्स एंड साइंस इज ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स थर्ड इट इज लार्जली बोलो माइक्रो या मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो मैक्रो बोथ ऑफ अबव नन ऑफ अबव व्हाट वुड बी योर आंसर? बोथ ऑफ अबव. ठीक है, ये बड़ा ओके एमसीक्यू बनता है ऐसा पॉइंट. फिर आपको पूछा इकोनॉमिक्स इज साइंस आर्ट्स बोथ ऑफ अबव नन ऑफ अबव अगेन बोथ ऑफ अबव. ठीक है, सो व्हाई इट इज साइंस? बिकॉज इट इन्वॉल्व साइंटिफिक मेथड. इट ऑल्सो प्रोवाइड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. ऐसा है तो क्यों है? आपको लिखना है तो बिल्कुल ऐसे ही करके लिख दो. ऐसा है तो क्यों है? ये अपनी बुक है बेटा, और अपनी बुक अपन अपने हिसाब से बना सकते हैं. ये अपन शॉर्ट नोट्स बना रहे, रजिस्टर में पूरे नोट्स लिखे हैं, अपन अपने क्या बना रहे बेटा? शॉर्ट नोट्स बना रहे. सो इट इज लार्जली माइक्रो इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तीन पॉइंट लिख दिए, आगे बढ़ते हैं. यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. यस भैया, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, क्या हम थ्योरी लेते हैं मार्केट की? यस, हम मार्केट की थ्योरी उठाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में क्या करने की कोशिश करते हैं? अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, दैट इज यूज करने की कोशिश करते हैं. यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. इसके पहले अगर कोई इस बिजनेस में था तो हम उसके भी एक्सपीरियंस लेते हैं. तेरा एक्सपीरियंस क्या था? तुझे क्या लगता है हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, क्या किया जा सकता है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है? तो आप क्या करते हो? थ्योरी यूज करते हो मार्केट की एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूज द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. इट यूज द थ्योरी ऑफ फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी. ये क्या करता है? ये थ्योरी यूज करता है. यूज द थ्योरी ऑफ फर्म एंड रिसोर्सेस एलोकेशन. एंड क्या करता है बेटा? रिसोर्सेस एलोकेशन पे ध्यान देता है. जी हाँ, थ्योरी ऑफ फर्म मतलब फर्म किस तरीके से ऑपरेट करती है, रिसोर्स एलोकेशन मतलब हाउ टू यूज द रिसोर्सेस फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. हाउ टू यूज द रिसोर्सेस फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. प्रैग्मैटिक इन अप्रोच. हाँ भाई, बड़ा होकर के एमसीक्यू बनेगा, हाईलाइट करो. प्रैग्मैटिक इन अप्रोच प्रैग्मैटिक मतलब इट सॉल्व प्रैक्टिकल इश्यूज. प्रैग्मैटिक का मतलब इट सॉल्व प्रैक्टिकल इश्यूज. बेटा इकोनॉमिक्स होता है ना, इकोनॉमिक्स जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिर्फ थ्योरीज देता है, सिर्फ थ्योरीज, लॉ ऑफ दिस, लॉ ऑफ दैट, लॉ ऑफ दिस, लॉ ऑफ दैट, ये अलग अलग थ्योरीज देगा. हालांकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है ना, ये हमेशा प्रैक्टिकल इश्यूज पे बात करता है, ये हमेशा प्रैक्टिकलिटी पे बात करता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मान लीजिए अगर हमारे ही दुकान के कुछ दूर बाद एक और दुकान ओपन हो गई. अब आप बताइए, अब हम यहां पे माइक्रो मैक्रो की बात करते रहेंगे या कंपटीशन की बात करेंगे? कंपटीशन की बात. अब ऐसे केस में आप मैक्रो इकोनॉमी यूज नहीं करोगे कि भैया देश के अंदर में कितनी दुकान है, आज कितनी दुकान ओपन हुई, वो जो दुकान निकली उसमें से कितनी चली. आप मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज नहीं करोगे. अब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करोगे. अब आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरे ही बगल में एक और नया इंस्टीट्यूट खुला है तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों कि वो
भी अपने कुछ कस्टमर तोड़ेगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा भाई जी, कस्टमर को संभालना कैसे है। अब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज नहीं करूंगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स भी यूज नहीं करूंगा, अब मैं यहां पे थ्योरी यूज नहीं करूंगा कि अगर आपके बाजू में कंपटीशन आ जाए तो आप क्या करें, पढ़ते बैठो साला चार पेज। मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, वो क्या सर्विस दे रहा है उससे बेहतर सर्विस मैं दूंगा, वो क्या प्राइस चार्ज कर रहा है उससे बेहतर मैं प्राइस चार्ज करूंगा, वो क्या कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहा है मैं उससे बेहतर रिलेशन मेंटेन करूंगा। अब आप मुझे बताइए, आपने थ्योरी पढ़ी चार चार पेज की या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रादर देन ओनली थ्योरी। या तो थ्योरी नहीं पढ़ते बैठेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के टाइम पे, क्योंकि देख हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को चलाने की बात कर रहे हैं, और बिजनेस को चलाने के लिए ना थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल थ्योरी कहता है कि भैया 10 से 12 घंटे दुकान ओपन होनी चाहिए। एक नॉर्मल थ्योरी कहेगा कि दुकान जनरली आपने मॉर्निंग में ओपन करनी चाहिए, इवनिंग में क्लोज कर देनी चाहिए, यह है थ्योरी। हमारा बिजनेस ही दारू बेचने का है, अभी चल नहीं रहा तुम्हें मैक्सिमम, ये मैक्सिमम चल नहीं रहा तुम्हें। मेरा रेस्टोरेंट है वेज रेस्टोरेंट, आपको लगता है वेज रेस्टोरेंट दिन में ज्यादा चलता होगा या रात में ज्यादा चलता होगा? रात में, ये रात में ज्यादा चलता है। बताइए बताइए, अब मेरा अगर बिजनेस इस तरीके के है या इस नेचर के है, नाश्ते की दुकान सुबह चलेगी, अब नेचर ऑफ बिजनेस ही अगर वैसा है तो मेरे को प्रैक्टिकल इश्यूज ज्यादा सॉल्व करने हैं रादर देन थ्योरी। यस, रादर देन थ्योरी। तो नाश्ता कब से चालू होता है? सुबह 4 बजे से चालू होता है 11 बजे तक। सुबह 4 बजे पोहे खाए नहीं खाए? नल स्टॉप के, नल स्टॉप के खाए ना? हाँ, अगर कभी इच्छा हो खाने की तो नल स्टॉप पे जाना, सुबह 4 बजे पोहे मिलते हैं और उसमें सांभर डाल के देता है और मस्त खिचड़ी मिलती है। या एक खाद दिन कभी डिसाइड करो अपन सब चलेंगे, एक खाद दिन डिसाइड करो अपन सब चलेंगे वहां पे जाके मस्त खा के आएंगे। क्या नल स्टॉप? हाँ, SBI के बाजू में। तो गजब साहब, आप लोग कभी पुणे आए तो आपको भी खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। तो आप मुझे बताइए, नाश्ता चलता है उस टाइम पे, अब मैं रात के अंदर में नाश्ते का गाड़ी ओपन करके रहूं, ऐसा नहीं होगा कि सेल नहीं होगा, लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मेरा बिजनेस होना चाहिए उस एक्सपेक्टेशन के साथ बिजनेस नहीं होगा। बताइए, मेरा फूल बेचने का बिजनेस है, फूल बेचने का बिजनेस है मैक्सिमम सुबह। रीजन, लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं या सुबह सुबह ऐसी जगहों पे जाते हैं, राइट? इवनिंग के अंदर में किसी की मैरिज या समथिंग है तो फूल बिकने हैं, पर उसका मैक्सिमम बिजनेस मॉर्निंग, क्योंकि वो फ्रेश भी रहेगा। यस, दूध मोस्टली सुबह। हाँ, ऐसा है क्या कि रात में दूध नहीं बिकता? बिकता है, लेकिन सुबह के मुकाबले कम बिकता है। आई वेडिंग पॉइंट। सो जाहिर सी बात है, हमें बिजनेस अब बुक के हिसाब से नहीं करना होगा कि सुबह ओपन कर लो और शाम में कर लो, खत्म। बिजनेस डिसीजन है, जब बिजनेस चलेगा अपने को तब करना पड़ेगा। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैंडल करना रादर देन थ्योरी। थ्योरी सिर्फ इकोनॉमिक्स का काम है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम है प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स कभी नहीं बताएगा कि भैया यहां पर गर्मी हो रही थी तो अपन ने AC लगानी चाहिए। इकोनॉमिक्स कभी नहीं बताने वाली ये चीज, लेकिन हमारे को एक प्रैक्टिकल इशू समझ में आ रहा था, भैया बच्चा यहां पे बैठा है, गर्मी जोरों की चल रही है, 50 डिग्री का सेंटीग्रेड पे टच करने वाले हैं। यस, अगर यहां पे AC नहीं लगाया, पहली बात तो बच्चे का मन ही नहीं लगने वाला, टीचर क्या बोल रहा, अगर उसका पसीना ऐसे चल रहा है तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, मास्टर ने अपनी जान नलके में पढ़ डाली है तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। यही अगर ठंडा एनवायरमेंट है, उसको अच्छा लग रहा है, चुपचाप सामने फोकस करेगा वो। हमने क्या किया, हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ज्यादा हैंडल किया। आई गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा, अगर यहां से हम 4 लाइट हटा दे, 1 2 3 4, सिर्फ इस जगह को फोकस करो, सिर्फ इस जगह को फोकस करो, अगर आप देखोगे 4 लाइट लगाई गई और ऊपर की जितनी सीलिंग वाली लाइट थी ये कम कर दी। वाय? क्योंकि सीलिंग वाली लाइट सिर्फ नीचे उजाला दे रही थी, ये वाली लाइट पूरी तरफ उजाला दे रही है। व्हाट वाज मोर इशू, लाइट तो दोनों भी सेम थी, बट ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, एंड दैट इज द अप्रोच। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज डिसीजन मेकिंग, इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच रादर देन जस्ट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल एंड एनालिसिस इकोनॉमिक फेनोमिनन अंडर द अनरियलिस्टिक असम्पशन। इन कॉन्ट्रास्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक
in its approach and it tackle practical problem which the firm face in real world. Fourth point, register me. Microeconomics is abstract, more of theory. Business economics is pragmatic, more of practical. Done, madam? Yes. So, चलिए अब तक क्या पढ़ा, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या साइंस है? Yes. क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है? Yes. क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स मोर ऑफ माइक्रो एंड फ्यू ऑफ मैक्रो है या सिर्फ माइक्रो है? मोर ऑफ माइक्रो फ्यू ऑफ मैक्रो, बट देर आर बोथ इंक्लूसिव. फोर्थ पॉइंट, ये बिजनेस माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट मतलब थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट है, कोई फिक्स लाइन नहीं है, अजम्पशन है, बहुत सारी चीजें हैं. हाँ, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना मेरे बच्चे, ये प्रैक्टिकल है. इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, पहली बात तो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है, इसमें दूसरे डिसिप्लिन भी इंक्लूडेड होते हैं. दूसरे डिसिप्लिन मतलब दूसरे सब्जेक्ट के नॉलेज भी इसमें है. बाजू में लिखने का मस्त, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज भी इंक्लूडेड है. दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज भी इंक्लूडेड है. It is interdisciplinary in nature. Then, business economics is interdisciplinary in nature. भैया यहां पर एक subject का ज्ञान नहीं है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है. पूछिए क्यों? अरे कॉमन सेंस लगाओ मेरे बचुआ, कॉमन सेंस. हम एक बिजनेस चालू कर रहे हैं. जब आप एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, आपको हर चीज का नॉलेज लगता है. हर चीज का नॉलेज कैसे लगता है? चलिए मान लीजिए आज हमने आपको हमारे बिजनेस का ओनर बना दिया. आप बन गए आज से क्लासेस के ओनर. ठीक है, आज से ये क्लास हुआ आपका. ये तो वैसे भी आपका, हम तो यहां पर नौकरी है, ये तो वैसे ही आपका है. अब आप पॉइंट बताइए, आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए. क्लास सेटअप करना है, अब आपको काय का नॉलेज होना जरूरी है भैया. पहला, सेटअप की प्राइस, पर प्राइस से पहले सेटअप. अब आपको किसका नॉलेज लगा? आईटी, कि भैया मेरे को कितने टीवी लगेंगे, कितने कैमरास लगेंगे, कितने बोर्ड लगेंगे, कितने माइक लगेंगे, माइक लगेगा तो कौन सा वाला लगेगा, टीवी लगेगा तो कौन सा वाला लगेगा, केबल कौन सी कहां जाएगी, कौन सा केबल किधर लगेगा, कितने बोर्ड के कनेक्शन लगेंगे, पंखे कितने लगेंगे, एसी कितने लगेंगे. साला हमको तो जीवन में कॉमर्स में कभी इंजीनियरिंग सिखाया ही नहीं. अभी जब इंजीनियरिंग सिखाया ही नहीं, हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात थी. जब पहली बार इस लाइन में आए थे, बुद्धू भी बने सर, मतलब सीओ के बुद्धू भी बनते. जमाना बहुत खराब है बेटा, कोई भी बुद्धू बन सकता है, जमाना बड़ा खराब है. लोगों ने बुद्धू भी बनाया. जो चीज फ्री में हो सकती थी, मैंने दर्शन सर ने उसके 3-3 लाख रुपए भी पे किए. ऑनेस्टली, क्योंकि नॉलेज नहीं था. सी, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो यू विल एंड अप पेइंग मोर. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? यू विल एंड अप पेइंग मोर. अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो यू विल ऑलवेज एंड अप पेइंग मोर. अगर सारे मंत्र तुम्हें आ जाते तो शादी में पंडित का काम क्या होता? यू एंड अप पेइंग मोर. अगर मेहंदी निकालना आपको आ जाता तो मेहंदी में मेहंदी वाली का काम क्या होता? यू एंड अप पेइंग मोर. तो जब आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपको इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज लगता है.
एज अ सीए भी आपको इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज लगता है. क्यों? पहली बात, आपको टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए कि भैया ये इतना स्क्वायर फीट है तो यहां पे कितने पंखे लगेंगे. किसी ने अगर बोला सिर्फ दो, बाद में तकलीफ होगी, तो आपको पहले तो खुद का नॉलेज लगेगा. यस. दूसरी बात, लाइट लेनी है तो कौन सी लेनी है, पंखे लेने हैं तो कैसे लेने हैं. अब बताओ एसी लेने जाना है, इस रूम के लिए कितने टन का एसी होना चाहिए, इसका पहले टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ना बेटा तेरे को, कि भैया मेरे को एक लगेगा दो लगेगा. अगर मैंने छोटा ला लिया कूलिंग होगा नहीं, अगर मैंने ज्यादा बड़ा ला लिया इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा, तो मेरे को रूम साइज के हिसाब से एसी लेना पड़ता है. कितने लोगों को नहीं पता था रूम साइज के हिसाब से एसी लिया जाता है. हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ. यानी एक को भी नहीं, फ्यू दो को पता था, दो को पता था, और बाकी किसी को नहीं पता कि जो एसी लिया जाता है ये रूम साइज के हिसाब से लिया जाता है. इसीलिए जब आप एसी खरीदने जाते हो सबसे पहले वो पूछता है रूम कितने बाय कितने का है, और उस हिसाब से वो आपको एसी सजेस्ट करता है कि आपने एक टन, डेढ़ टन, दो टन, कितने का एसी लेना चाहिए. जब आप सब्जी खरीदने जाते हो, क्या आपको पता है कुछ सब्जियां किलो पे मिलती है और कुछ सब्जियां डजन पे मिलती है, और कुछ सब्जियां अपने डिपेंडिंग अपॉन नेचर. पहले आपको नॉलेज होना चाहिए. दूसरी बात, बेंचेस के साइज क्या होंगे, ये भी तो नॉलेज लगेगा ना अब आपको. दूसरा, बेंच के ऊपर जो पट्टी लगती है ये प्लाईवुड है कि लकड़ा है या एमडीएफ शीट है, इसका भी तो नॉलेज होना चाहिए. नीचे जो कुशन लग रहा है वो कुशन क्या है, नॉलेज होना ना बेटे भाई. अब जब बिजनेस करने जा रहे हो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सिर्फ कॉमर्स का नॉलेज होकर के काम चलेगा क्या? नहीं. हाँ, काम चल जाएगा, बट यू विल एंड अप पेइंग मोर. ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स, मतलब टेक्निकली जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, आपको सिर्फ बिजनेस के एक पार्ट का नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल डिसिप्लिन्स के बारे में पता चलना पड़ेगा. मैनेजमेंट कैसे ऑपरेट करता है, कि भैया बिजनेस को चलाने के लिए हम तो टीचिंग करते रहेंगे. अब कोई बच्चा इंक्वायरी के लिए आया, तो क्या हम टीचिंग रोक करके इंक्वायरी के लिए जाए, या हमें एक मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा? मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा. दूसरी बात, आप सबसे फीस कलेक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है हमें उसकी अकाउंटिंग करवानी पड़ेगी, यानी हमें अकाउंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए. बराबर है. इसके साथ साथ मार्केटिंग कितने तरीके से हो सकती है, भैया कॉलिंग से हो सकती है, बोर्ड लगाना पड़ेगा, गूगल पे चलाना पड़ेगा, अलग अलग जगह मार्केट करना पड़ेगा, यानी मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए. आप बताइए क्या बिजनेस चलाना मजाक का काम है क्या? नहीं, बिजनेस चलाना मजाक का काम नहीं है. इट रिक्वायर्स इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज. दूसरे फील्ड्स के भी नॉलेज बहुत जरूरी होते हैं. यस, कि मार्केटिंग कितनी होगी, अच्छा फिर मार्केटिंग का कॉस्ट कितना होना चाहिए. मान लीजिए हमने बोला कि भैया हमारे को एक बैनर बनाना है, भाव तुम्हारा आरडीएसटी हार्दिक शुभेच्छा वाला, और उसके बाद में चिंटा भाव, पिंटा भाव, ए भाव, ते भाव, सर्व आले, हे ताई सब आले. अब आप बताओ कितने का बनेगा? वो बोलेगा 1000 का. आपको पहले नॉलेज तो होना कि जब एक यू नो प्रिंट कराया जाता है तो स्क्वायर फीट पे प्रिंट होता है, दो कलर प्रिंटिंग का कितना, चार कलर प्रिंटिंग का कितना. आप जब तक ये सब करोगे नहीं तब तक ये नॉलेज आएगा नहीं. एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर. ये इंटर डिसिप्लिन की बात है. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर as incorporate the tools of other disciplines such as maths, operational research, management theory, accounting, marketing, finance, statistics and econometrics. ये interdisciplinary है. Fifth point. Business economics is interdisciplinary in nature, that is it requires the knowledge of other business also, oblique other field also. For example, accounts, finance, marketing, etc.
डन सामने ऑफिस है, सामने ऑफिस है। नॉर्मेटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर। देखिए कोई भी चीज दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी आप इसे कह सकते हो, बट मोर ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव विथ व्हाट द वर्ड वी यूज्ड इन दिस सब्जेक्ट इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मतलब क्या होता है, नॉर्मेटिव मतलब क्या होता है, व्हाट इट शुड बी, ऐसा हो जाए गा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा बहुत अच्छा होगा, जीवन बहुत प्यारा होगा, ये कर ले इसमें बहुत स्कोप है, ये सब बातें नहीं। क्या है रादर देन कैसा होगा, क्या है, क्योंकि जब तक आप अपना प्रेजेंट नहीं बताओगे तब तक आपको आपके प्रेजेंट इशू पता नहीं चलेंगे, और जब तक आपको आपके प्रेजेंट इशू पता नहीं चले तब तक क्या आपको आपका फ्यूचर असर्टन नहीं पता चल पाएगा। तो आपको पहले अपना पॉजिटिव चीज तो पता होनी चाहिए, आपको नॉर्मेटिव नॉर्म्स तो पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू साइड्स लाइन, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। यहां पर दोनों चीजें कवर होती है, पॉजिटिव तो खैर हर चीज में है पर यहां पर नॉर्मेटिव भी कवर होता है। अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन एन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनर, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट, इन अदर वर्ड्स इट स्टेट व्हाट इट इज और द स्टेट ऑफ अफेयर एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी, इन अदर वर्ड इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन गिवन अंडर सर्कमस्टांसेस। वेलफेयर कंसिडरेशन आर एम्बेडेड इन नॉर्मेटिव साइंस। इधर आइए, राइट डाउन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन टू लाइंस, टू लाइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, यस बच्चे पॉजिटिव में क्या क्या आया बताओ जल्दी से, व्हाट इट इज, पॉजिटिव में लिखिए व्हाट इट इज, नॉर्मेटिव में लिखिए What should be। तो ये सिर्फ इस चीज पे बेस्ड नहीं है what it is also based on what it should be। Is that done? लास्ट लाइन एक और लिखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव इन नेचर,
जनरली नॉर्मेटिव इन नेचर. Focus more on normative and focus more on normative. Focus more on normative. Then positive. Focus more on normative. Rather than positive. Focus more on normative rather than positive. चलिए वापस से एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, खत्म करते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या साइंस है? यस. क्या आर्ट्स भी है? यस. मोर ऑफ माइक्रो लेस ऑफ मैक्रो, पर कॉम्बिनेशन दोनों का है. इट इज मोर ऑफ pragmatic, deals with more problems rather than just theory. क्या इसमें बाकी subject के knowledge भी include होते हैं? Yes. It is largely based on normative, but it also include positive. Largely किस पे है? Normative. जैसे है दोनों भी, positive भी है, normative भी है. Largely क्या है? Normative. Micro भी है, macro भी है. Largely क्या है? Micro. Clear है मालिक? That's it. That's it for the day. See you in the next lecture. Bye bye and take care.